हेलो स्टूडेंट, फॉर ऑल सीरीज का लेक्चर नंबर 5th, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हम लोग वन बाई वन क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिक क्वेश्चंस हैं लेकिन एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहले क्वेश्चन से ठीक है, देखो अब सिंपल से फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, 8C3 इसकी वैल्यू पूछी गई है, 8C3 इसकी वैल्यू आप सभी जानते हो, NCR 8C3 अगर लिखा हुआ आप कैसे सॉल्व करोगे, तो 8 को 3 टाइम डिक्रीज ऑर्डर में लिख दीजिए, 8 × 7 × 6 3 टाइम्स हो गया, और फिर 3 को तब तक डिक्रीज करिए जब तक 1 आ जाए, 3 × 1 तो 3 × 2 ये कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 56। क्लियर है? अच्छा, और बाकी अगर आपको फॉर्मूला से करना है तो आप फॉर्मूला देख सकते हो, NCR इक्वल टू होता है बेटा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r, आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन कहीं पे अगर आपको लिखा है 11C2 तो 11 को 2 टाइम डिक्रीज करिए अपॉन में जो भी आपका r वैल्यू हो वो 1 तक डिक्रीज करेगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, NCR किसके बराबर होता है। अच्छा, NCR का मतलब पता है आपको क्या है? NCR तो आप कहते हो n में से r थिंग्स को सेलेक्ट करना। तो एक बात बताओ, जैसे मान लो 10 वस्तुएं हैं, 10 में से 3 सेलेक्ट कर दी, तो बची हुई 7 सेलेक्ट नहीं हुई, तो जितने तरीकों से 10 में से 3 सेलेक्ट हो रही होंगी उतने ही तरीकों से 10 में से 7 नहीं सेलेक्ट हो रही होंगी। तो n में से r थिंग्स, अगर मैंने कहा n में से r थिंग्स को सेलेक्ट करने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे उतने ही तरीके तो होंगे, n में से n माइनस r को डीसेलेक्ट यानी सेलेक्ट ना करने के तरीके, यानी हम कह सकते हैं कि NCR इक्वल टू NCN माइनस R। ठीक, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इन दोनों का समेशन हमेशा अगर आप देखोगे ये और ये कैंसिल करो किसके बराबर होगा, N के। तो यहां पे बस पूछा गया था NCR किसके बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा NCN माइनस R। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। चलो नेक्स्ट, एक थैले में 4 लाल है गेंद है, 3 हरी गेंद है, तो एक बात हो 4 रेड है, 4 है रेड, आई थिंक ये क्वेश्चन अलग हो गया। चलिए 4 रेड बॉल है, 4 रेड बॉल हो गई और 3 ग्रीन है, और आउट ऑफ दिस आपको सेलेक्ट करना है 2 रेड, तो रेड किससे सेलेक्ट होंगे, रेड से, तो 4 में से आपको सेलेक्ट करने हैं 2 रेड और 2 ग्रीन, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 4 में से 4 रेड में से 2 रेड सेलेक्ट करेंगे, 4C2। और मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बताया हुआ है कि अगर अभी काम और बाकी है, अभी और चीजें आपको करनी है, तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, यानी एज वेल एज का साइन देता है इनटू 3 में से 2, 3C2, 4C2 कितना होता है बेटा 6, 3C2 होता है 3, आंसर हो गया इसका 18, या आप इस तरीके से देखो ये इस तरीके से लिखा हुआ है 4C2 × 3C2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 लड़की और 5, there are 4 girls and 5 boys in a group, you have to select 7 member, you have to form a team of 7 members, then how many ways can be possible if 2 specific girls are already selected। देखो क्वेश्चन कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आपसे कहा 4 girls हैं और 5 boys, और इससे आपको एक टीम बनानी है 7 member की। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 लड़कियां और 5 लड़कों में से आपको 7 मेंबर की टीम बनानी है। ठीक है, क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है? उसने कहा कि इन टीम में 2 लड़कियां हो, फला लड़कियां हो, ऐसा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हाँ एक चीज कहा है कि 2 विशेष, अच्छा जब एक वर्ड लिख देता है विशेष स्पेसिफिक, तो इसका मतलब है आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कह दिया कि 5 लड़कियां बैठी, मैंने कहा 2 विशेष लड़कियों को मैंने प्रमोट किया, तो मुझे पता है वो 2 विशेष अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं उनको जानता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि 2 लड़कियों को प्रमोट किया, तो अभी यहाँ पे आप कहोगे कि सर कौन सी 2,
क्लियर। तो जब भी विशेष वर्ड आ जाए तो आप उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यदि दो विशेष लड़कियां पहले से ही टीम में हैं तो उनको पहले से टीम में रख लिया गया। अच्छा एक बताओ कितने मेंबर की टीम थी, सात। सात में से दो विशेष लड़कियां पहले से बेटा आ गई हैं, तो अब कितने की टीम बनानी रह गई, पांच की। पांच की, तो आपने कहा सर दो लड़कियां यहां से हट चुकी हैं, अगर यहां से दो लड़कियां हटेंगी तो बचेंगी कितनी, दो। तो अब बची कितने, टोटल कितने लोग हैं, सात। इन सात में से आपको सेलेक्ट कितने करना है, दो इधर आ चुके हैं, पांच, 7C5। और 7C5 को आप क्या लिख सकते हो, सात में से पांच गया, टू, 7C2, 42 का आधा 21, आंसर हो गया 21। इसमें कोई दिक्कत, फिर समझो। मैंने कहा कि चार लड़कियां थी, पांच लड़के थे, चार लड़कियां थी, पांच लड़के थे, इनमें से दो गर्ल्स, स्पेसिफिक गर्ल्स मैंने सेलेक्ट कर ली, तो चार लड़कियों में से दो लड़कियां पहले से टीम में भेज दी गई हैं, तो अब बची कितनी, दो लड़कियां, पांच लड़के, यानी टोटल सात बचे, और अब सेलेक्ट कितना करने को रह गया, पांच। क्यों, क्योंकि दो पहले से आ चुके हैं, तो 7C5, और 7C5 को NCR को NCN-R लिख सकते हैं, और 7C2 बेटा कितना होता है, 21। क्लियर। एक समतल में आपको ये बात पता है, सिंपल सा है, कि अगर समतल में 12 बिंदु है, जैसे ही क्वेश्चन में देखो 12 बिंदु है, तो आपने देखा प्लेन में कितने हैं, 12 बिंदु बनाना क्या है, बस ये देखो रेखा। तो आपने कहा कि सर अगर 12 पॉइंट है किसी प्लेन पर, 12 पॉइंट्स है, तो टोटल लाइंस, लाइंस बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, तो दो पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं, तो आपने कहा 12C2। लेकिन फिर आपकी नजर गई कि सर आगे लिखा है कि पांच एक ही रेखा पर हैं, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 इनसे जो आपने लाइन बनाई है वो सब आपने एक्स्ट्रा काउंट कर लिए, हालांकि वो तो एक लाइन है, तो आपने इन पांच बिंदु से बनने वाली सारी लाइंस हटा दी, आपने -5C2 कर दिया, लेकिन एक लाइन तो बनेगी ना पांच बिंदु से, अगर पांच डॉट एक प्लेन पर है तो उसे एक लाइन तो बन जाएगी, तो इसलिए करेंगे +1। 12C2 बेटा कितना हो जाएगा, 66। 5C2 कितना हो जाएगा, 20 +1, तो 66 -20, आई थिंक ये 46, 46 +1, 47। एक मिनट, कुछ गलत कर रहा हूँ, 12C2, तो यहाँ पे 11 और ये 6, 66, ये तो ठीक है, 12 × 11/2, 66, ठीक है, ये 10 आएगा, सॉरी, 5C2 10 होगा, जल्दबाजी में ये 20 लिखा हुआ है, ये 5C2 की वैल्यू बेटा 10 होती +1, तो 57 आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 57। तो देखिए 57 कौन सा ही है, 57, क्लियर, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा है, आपको ये पॉइंट पता है, इफ देयर आर एन पॉइंट इन अ प्लेन एंड आउट ऑफ एन आर या एम पॉइंट आर कोलिनियर, द नंबर ऑफ लाइंस NC2 - NC2 +1। यदि किसी समतल में n बिंदु है जिनमें से m बिंदु एक ही रेखा पर है, तो बनने वाली रेखाओं की संख्या क्या होगी, NC2 - MC2 +1। +1 क्यों करते हैं, क्योंकि अगर बिंदु एक रेखा पर है तो उनसे एक लाइन तो बनती है ना, इसलिए +1। ट्राइंगल के केस में ऐसा नहीं होता, ट्राइंगल में सीधे NC3 - MC3। ओके, अच्छा एक बात अभी बताइए, अगर लिखा है NC5 = NC12, एक सिंपल सी बात बता रहे, पॉइंट याद रखिएगा, अगर कहीं लिखा NCA = NCB, तो वहां पे दो ही चीज संभव हो सकती है, या तो आप बोलोगे A बराबर B हो जाए, ये अगर इक्वल है तो ये एक ही चीज हो सकती है, या तो A = B दिखे, या फिर A + B, मतलब इनको ऐड करने पर ये N के इक्वल आना चाहिए, A + B = N। इसे आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि है बहुत बेसिक चीज, या तो A = B होगा या तो A + B = N होगा, ठीक है। तो एक बात बताऊं, यहाँ क्या 5 12 के इक्वल होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये 12 + 5 = N होगा, तो 12 + 5 दैट इज 17, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 17। देखो फिर वही उसी पे बेस क्वेश्चन है, लिखा है 28C2R = 28C2R - 4। दो चीजें यहां पे होंगी, या तो ये और ये इक्वल होंगे, तो जब इन दोनों को इक्वल करोगे तो 2R से 2R कट जाएगा, 0 = -4, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड केस बचा, इन दोनों को ऐड करने पे, यानी कि 2R + 2R - 4, इसको और इसको ऐड करने पे 28 आएगा, वॉल्यूम साउंड थोड़ी कम कर लेना, 28 आएगा, तो ये हो जाएगा 4R = 32,
तो r इक्वल टू आ जाएगा 8, r इक्वल टू आ जाएगा 8। आपसे r की वैल्यू पूछी थी, कितना आ जाएगा 8। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। चलो अभी बताया NCR इक्वल टू NCP है, NCR इक्वल टू अगर NCP है तो दो केस पॉसिबल है, या तो R इक्वल टू P होना चाहिए या तो R प्लस P इक्वल टू N, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिल्ली से कानपुर जाने के 6 रास्ते हैं, तो ठीक है, तो आप दिल्ली से कानपुर 6 तरीकों से जा सकते हो, मानो 6 बसें जा रही हैं, तो दिल्ली से कानपुर जाने के 6 रास्ते हैं, तो कोई व्यक्ति दिल्ली से कानपुर जाकर कितने प्रकार से लौट सकता है जबकि उस रास्ते से वापस नहीं आता जिससे गया हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिल्ली में खड़े हो, 6 बसें मान लो, तो जाने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं, तो आपने कहा 6। अब आप दिल्ली से कानपुर पहुंच गए, क्या वहीं पे बैठ जाओगे, वापस भी आना है आपको, तो जब वापस आना है काम बाकी है, तो साइन कौन सा लगेगा, मल्टीप्लाई। अच्छा अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस बस से गए थे या जिस रास्ते से गए थे उससे नहीं आना है, तो अब वापस आने के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, 5, तो 6 × 5 आंसर 13 ऑप्शन सी इजी था ये भी। नेक्स्ट ठीक है, सिंपल से पास्कल रूल है, NCR प्लस, आपको पता होता है ये सिंपल सा रूल कि NCR प्रूफ भी कर सकते हो आप इसको, NCR-1। इसका प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब एक बेवकूफो वाला प्रूफ है जो टेक्स्ट बुक में दिया होता है, मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करता। वो ये कहते हैं कि इसका फार्मूला हम ओपन कर देंगे फिर LHS इक्वल टू RHS कर देंगे, क्या मतलब रहा इसका, ठीक है, तो इसका बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है, जो लोग क्लास में थे उनको पता होगा, n+1 cr, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, NCR + NCR-1, आंसर कौन से दिख रहा है आपको बेटा, बी ऑप्शन, कौन सा हो गया, बी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास 5 पेंट है, 5 हो गए भाई पेंट, ठीक है, 3 हो गई शर्ट, ठीक है, 4 हो गई कैप, चाह क्या रहा है कि वो चाहता है कि एक पहने वो पैंट, ओके मिल जाएगी उसको, एक शर्ट चाह रहा है, ठीक भाई दिला दी जाएगी, और एक कैप चाह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 5 में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, 5 पैंट है एक उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 5C1, एक बात बताओ क्या सिर्फ शर्ट पहन के चला जाएगा, उसकी डिमांड है कि शर्ट भी पहनना है, पैंट भी पहनना है और कैप भी पहनना है, इसलिए मल्टीप्लाई 5C1 × 3C1 × 4C1, तो 5, 3, 4, 12, 5 = 60, आंसर हो गया 60, ईजीएस्ट वन यार। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, देखो दो समांतर रेखाएं हैं, एक समांतर रेखा ये हो गई, एक अपने आप बन गई है, हालांकि हम बनाएंगे इसको, एक ही हो गई, कह रहा है कि 5 बिंदु, इसमें 5 बिंदु, 1, 2, 3, 4, 5, और दूसरी में 4 है, 1, 2, 3, 4, क्लियर। अच्छा अब आपसे कह रहा है कि इन बिंदुओं को मिलाने से कुल कितनी रेखाएं बन सकती हैं, नंबर ऑफ लाइंस बतानी है आपको, मैंने अभी एक तरीका बताया था, सिर्फ ये देखा करो कि समतल पर, समतल का मतलब जब तक 3D नहीं पढ़ी आपने मुझसे तब तक आप ये समझते रहो समतल का मतलब होता है तुम्हारी कॉपी और मेरे हिसाब से मेरा ये स्मार्ट बोर्ड, क्लियर। तो इस बोर्ड पे मुझे कितने बिंदु अभी फिलहाल दिख रहे हैं, 9, 5 ये, 4 ये, तो मैं सीधे कहूंगा 9C2, मैंने कहा ये मेरा आंसर होगा, लेकिन फिर आपने कहा नहीं सर कुछ बिंदु एक रेखा पर है, हमने कहा कितने, तो आपने कहा सर ये 5 देखो एक रेखा पे आपको दिख रहा है, हमने हाँ इसको हटाना पड़ेगा, तो मैंने कहा -5C2 कर देंगे, आपने कहा सर ये भी देखो 4 एक बिंदु पर और दिख रहा है, हमने कहा ओके -4C2 करेंगे, लेकिन आपने कहा सर ये एक रेखा ये बन रही होगी एक ये भी बन रही होगी इसलिए +2 कर देंगे यहाँ पे, हमने कहा बिल्कुल सही, तो 9C2 बेटा कितना हो जाएगा 36 -10 -6 +2, तो ये हो गया माइनस का 16 20 आ जाएगा इसमें, 10, 6, 16 और यहां से 16 20 और 2 22, आंसर कितना हो जाएगा 22। एक तरीका तो ये हो गया, ये हो गया टेक्स्ट बुक मेथड यार, बिल्कुल मैं अडॉप्ट नहीं करूंगा, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इससे कर लो। दूसरा एक बताते हैं, थोड़ा सा ब्रेन अगर यूज करोगे तो 10 सेकंड में 10 या 5 सेकंड में आंसर दे दोगे, देखो कैसे
पांच बिंदु ये हो गए, चार बिंदु ये हो गए, जो भी लाइंस बन रही होगी वो ऐसे बन रही होगी, एक ऐसे बन रही होगी, इसको इससे कनेक्ट करने पे बन रही होगी, इसको इससे कनेक्ट करने पे, एंड सो ऑन, इस तरीके से लाइन बन रही होगी। तो सिंपल सा पांच में से इसका एक बिंदु मुझे चाहिए, तो मैं सीधे बोल दूं 5C1 इनटू, और इसको कनेक्ट करना सॉरी इनटू, इसका भी एक बिंदु चाहिए 4C1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता है, लेकिन एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये दोनों ऐड कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 22। अब सीधे सीधे कहो कि पांच और इधर है चार, तो 5C1 मतलब 4C1 मतलब 4, तो 5 × 4 = 20 और प्लस 2 इसलिए क्या, क्योंकि दो लाइंस ये भी फॉर्म करेंगे। जैसे अगर मैंने क्वेश्चन में कहा होता बेटा, अगर मैंने क्वेश्चन में यहां पे 8 बिंदु कर दिए होते और यहां 6 बिंदु कर दिए होते, तब आंसर कितना हो जाता, 8×6 = 48 और 2 जोड़ देते 50 आंसर होता। क्लियर? चलिए, पूछा गया क्वेश्चन था ये एनडीए का पूछा गया क्वेश्चन है। चलो भाई नेक्स्ट, एक अक्षर ताले में 3 चक्र, वो साइकिल वाला नहीं होता, उसमें ताले लगे होते, उसमें नंबर्स दिए गए होते, ये वही चीज है कि एक ये सर्किल हो गया, एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल ये हो गया, ठीक है। अब इस पे कह रहा है कि नंबर्स लिखे हुए हैं, इस पे नंबर्स लिखे हुए हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर लिखे हैं, ऐसे इसमें भी लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सिमिलर फॉर दिस 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलिए अब इसको खोलना है, तो वो कह रहा है कि कोई व्यक्ति ये अक्षर ताला खोलने में कितनी प्रकार से असफल हो सकता है। ये क्वेश्चन ये सिखा रहा है कि हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, कि अगर हम चोरी करने जाएंगे तो कितने ऐसे तरीके होंगे जिससे ये खुलेगा। खुलने का तो एक ही तरीका होगा ना यार, नंबर लॉक है अगर, तो एक ही नंबर से तो खुल रहा होगा। अब हमको देखना है कि अगर हम ट्राई कर रहे हैं, हमको नंबर नहीं पता है, तो हमें कितना ट्राई करना पड़ेगा। तो देखो भाई, इसलिए कह रहे हैं, इसलिए पढ़ाई में यहाँ पे मेहनत कर लो, उसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। देखो कैसे, पहले आप चोर हो मान लो, ठीक है, आप कहोगे पहले तो सर इसमें से कोई नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने नंबर्स हैं टोटल, अंधों को 9 दिख रहे होंगे, समझदार इंसान कहेगा सर 10 अंक हैं, 0 भी तो काउंट करोगे, तो 10 तरीके हैं। और जो बहुत ज्ञानी तो वो कहेगा सर पहला वाला 0 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि सर पहले 0 नहीं लिया जाता। अबे वो नंबर फॉर्मेशन में नहीं लेते हैं, जब 3 अंकों की संख्या बना रहे हो, हम कौन से अंकों की संख्या बना रहे हैं, तो यहाँ 0 तो ले सकते हैं ना भाई, नंबर कोड 0, 1, 2 भी तो हो सकता है। चलिए तो 10 तरीके, आपने कहा इसको ट्राई करने के मेरे पास 10 अटेम्प्ट्स है। अब एक बात हो, काम खत्म की बाकी है, आपने कहा सर काम तो अभी बाकी है इसलिए मल्टीप्लाई। इसी प्रकार इसको अटेम्प्ट करने के तरीके 10 और इसको अटेम्प्ट करने के 10, यानी टोटल तरीके कितने आ गए 1000, टोटल आ गए 1000। 1000 में से एक तरीका होगा जिससे लॉक खुल जाएगा और बाकी बचे 999, इसमें आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, यानी कि आंसर हो जाएगा 999। तो फिलहाल ऐसा करने का कोई मतलब नहीं, 999 तरीका अगर आप ट्राई करोगे दिन हो जाएगी, दिन से रात हो जाएगी, पकड़ लिए जाओगे, ठीक है भाई। चलो एक, अच्छा हाँ, सिंपल सा फार्मूला है, एक षटभुज में कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं यार, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन, एन भुजा वाले बहुभुज में, उत्तल बहुभुज में विकर्णों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, एन सी टू, टोटल लाइंस में से एन साइड हटा दो, यानी कि निकल क्या था एन एन माइनस 3/2, ये फॉर्मूला होता है। एन यहाँ पे कितना दिया 6, षटभुज हेक्सागन में 6 भुजाएं होती हैं, तो 6, 6 - 3, 18/2, 9 आंसर आ गया 9, ठीक है। अब ये देखो पास्कल का एप्लीकेशन, इस क्वेश्चन को 10 सेकंड ही देना एग्जाम में, क्योंकि अगर आपको दिख रहा है एक सिंगल आंसर आ रहा है, यानी एनसीआर फॉर्मेट में आंसर आ रहा है, यानी कि सिर्फ पास्कल आपका रूल लगा होगा, यहाँ पे सिर्फ एक काम देखो, सबसे बड़ा एन कौन सा है, सबसे बड़ा एन कौन सा है 16, यानी कि यहाँ पे आएगा 17, एक बढ़ेगा सी, और सबसे बड़ा आर कौन सा है, सबसे बड़ा आर, सबसे बड़ा आर क्या दिख रहा है 2, आंसर तो होने वाला 17C2, आंसर हो जाएगा 17C2। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है सिर्फ ये चेक करो सबसे बड़ा एन कौन सा है 16, एक बढ़ेगा 17, सबसे बड़ा आर कौन सा है 2, तो 2 का 2 रहेगा, इसमें मत बढ़ा देना कि 3 कर देना, 17C2। बाकी इसको करना चाह रहे हो तो आप देख लीजिए, देखिए फॉर्मूला बताया था ना अभी आपको कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR होता है। अब यहां पे मैंने कहा 16C1, मैंने कहा 14C2 लिखा था प्लस 14C1 लिखा था प्लस 15C1 लिखा है
प्लस 16C1 लिखा है, ये तो लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको सॉल्व करूं सिर्फ इतने को, तो NCR प्लस NCR माइनस 1, तो यहां से आ जाएगा 15 एन प्लस 1 हो जाएगा, एन प्लस 1 15 और CR यानी कि बड़ा वाला सी 15C2। अब 15C2 और 15C1 इसको सॉल्व करो 15C2 प्लस 15C1 फॉर्मूले से, तो क्या आ जाएगा बेटा 16C2। अब 16C2 प्लस 16C1 इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 17C2 फाइनल आंसर 17C2। तो 17C2 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये है। आपको ये तो सर 17C15 है, समझदार बच्चे समझ गए होंगे ये 17C2 लिखा हुआ है, क्लियर। अच्छा NCR इक्वल टू NCN माइनस R। एक समतल में 10 बिंदु हैं, त्रिभुज बनाने हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि समतल में बिंदु देखो कितने 10, तो आपने लिख दिया 10, बनाने क्या है ट्राइंगल, तो 10C3। लेकिन फिर आपने कहा नहीं नहीं सर कुछ बिंदु एक ही रेखा पर है, हमने कहा कितने, तो आपने कहा सर 4, तो हमने कहा -4C3। और एक बात बताओ, अगर ट्राइंगल में 3 बिंदु एक ही रेखा में, क्या एक भी ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल नहीं बन सकता सर, लाइन बन सकती है, त्रिभुज नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ प्लस वन नहीं करोगे, आंसर हो जाएगा 10C3 -4C3। चलो भाई सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 10 9 8 3 2 1 इंटू -4 ही लिख दो, 4C3 मतलब 4, ठीक, तो 3 से ये 3 बार, ये 4 बार, ये 120 माइनस 4 116, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 विभिन्न, अच्छा आपके सामने 10 पुस्तकें रखी हैं, 10 में से कितनी लेनी है 4, 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 चुननी है, तो सिर्फ अगर इतना ही क्वेश्चन होता है 10 में से 4 चुननी, तो आप बोलते 10C4, ओके। लेकिन कंडीशन कर दी, यदि दो विशेष पुस्तक अवश्य ली जाए, यदि दो विशेष पुस्तक अवश्य ली जाए, एक बात बताओ टोटल 10 बुक है, 10 में से दो अवश्य लेनी है, तो दो पहले निकाल के रख ली, टोटल कितनी 10, 10 में से दो अवश्य सेलेक्ट करनी, मतलब ये तो करना ही करना है, तो दो को पहले रख लिया, तो बची कितनी 8। अब दिमाग लगा के बताओ 8 में से अब चुनना कितना है, कितना सेलेक्ट करना है, तो आपको कि दो, क्यों, क्योंकि दो पहले से इंक्लूड हो चुकी हैं, तो आंसर हो जाएगा 8C2, 8×7=56 का आधा 28, आंसर हो जाएगा 28, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एक मिनट, दो विशेष पुस्तक अवश्य ली जाए, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, किसी पार्टी में 30 व्यक्ति हैं, यार एक बात बताऊं, ऐसा समझो अगर यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, ये 3 व्यक्ति हैं जिनके आँख भी नहीं कान भी नहीं है लेकिन हाथ हैं, और हमको क्वेश्चन में यही देखना है कि नंबर ऑफ हैंडशेक्स, इस व्यक्ति के पास कितने तरीके हाथ मिलाने के लिए, और एक और व्यक्ति को बुला लो यार, और अच्छा हो जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी, 4 लोगों के, ठीक है, एकता में थोड़ी सी ताकत होती है। हाँ एक व्यक्ति, इस पहले वाले व्यक्ति के पास कितने तरीके, आपको कहे सर इसके पास 3 तरीके, अरे भाई ये 3 लोगों के साथ मिलेगा, खुद से थोड़ी ना मिलाने लगेगा हाथ, तो इसके पास 3, इसके पास 1 2 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, क्लियर। अच्छा जब इन सबके पास 3 है, तो यानी कि आपने किया क्या, इसको ऐसे समझ लो कि 4 व्यक्ति हैं, ऐसे मैं रख देता हूँ इनको, ऐसे पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। चलो भाई, तो पहले के लिए तरीके आपने बताए 3 है, यानी 1 2 3, क्लियर, ओके। अच्छा दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के पास भी 3 है, 1 2 3, दूसरे के पास भी 3 है। अच्छा तीसरे के लिए अगर मैं देख लूं, तो आपने कहा इसके पास भी 3 है, 1 इससे मिला लिया हाथ, 2 और इससे 3, इसके पास भी 3 हो गए। अच्छा चौथे व्यक्ति के पास, लास्ट चौथा व्यक्ति, 1 2 3, तो यार एक बात बताओ कि 4 व्यक्ति थे, प्रत्येक के पास कितने तरीके थे 3, तो आपने कहा 3 + 3 + 3 + 3 यानी 3 रिपीटेड 4 टाइम्स, क्योंकि दे रहा 4 पर्सन, अगर n व्यक्ति होंगे, n व्यक्ति तो कितने प्रकार से हाथ मिलाएंगे, n-1, और व्यक्ति कितने n, तो टोटल हाथ मिलेंगे n n-1, लेकिन इसने इससे हाथ मिलाया, इसका यही मतलब तो हुआ इसने इससे हाथ मिला लिया, कि अलग से मिलाएगा कि नहीं भैया तुमने हैंडशेक किया अब हम करेंगे हैंडशेक, ऐसा होता है नहीं, तो यहां पे
ऑर्डर का कोई प्रेफरेंस नहीं है। तभी आप देख रहे हो ये दो दो वाले जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, सब देखो दो 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 सब में दो दिख रहे, डबल हो रहे हैं, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा टू से, यानी कि नंबर ऑफ हैंडशेक्स होते हैं एन सी टू। ये ज्ञान नहीं समझ में आया तो इतना याद रख लो कि हाथ मिलाने की संख्या एन सी टू होती है। कमरे में 10 व्यक्ति कितने प्रकार से हाथ मिलाएंगे, 10C2 45, क्लियर है। यानी अब यहाँ कमरे में कितने व्यक्ति हैं, 30 व्यक्ति, 30 व्यक्ति कितने प्रकार से हाथ मिलाएंगे, तो आप कहोगे सर 30C2, यानी कि 30 29 by 2 15, ठीक है। अब आधे लोगों को तो 15 का पहाड़ा भी नहीं याद होगा, तो वो क्या करेंगे एग्जाम में, पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर कहेंगे कि सर क्वेश्चन में टाइम बड़ा लग जाता है। अभी क्यों लगेगा यार, 15 से तुम गुणा ही नहीं कर पाते हो, तुमसे जब 12 का गुणा आता है तो तुम पहले 2 से गुणा करते हो, फिर कट्टम लगा के 1 से गुणा करते हो, ठीक है, तो टाइम लगेगा चाहे जितना शॉर्टकट पढ़ लो तुम। तो यहाँ 15 35 की 5 6 से लगा 13 15 यानी 30 और 13 43 435 आंसर डी, आंसर क्या गया डी, ठीक है। चलो भाई चार सौ बीस के कितने गुणनखंड होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर, आपको पता है गुणनखंड निकालने का तरीका, अगर 420 के आपको फैक्टर निकालने, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करो 420 के, 420 टू से कैंसिल करो, 210 हो गया, 2 से कैंसिल करो 105 हो गया, अब यहाँ पे 5 से कर लो, 5 से करोगे 21 हो गया, 5 से नहीं जाएगा 3 से कर लो, कितना हो गया 7 हो गया, फिर 7 से कर लो, ठीक है। मैं 420 को ऐसे लिख सकता हूँ 420 को 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, और मैंने आपको बताया था टोटल फैक्टर क्या करते हैं उसमें, एक एक पावर इंक्रीज कर देते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि 2 की पावर 0 भी तो होगा, जैसे 2 की पावर 2 तो कौन कौन से केस है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, देयर आर 3 केसेस। तो यहाँ पे आप ये सब भूल जाओ, आपको यहाँ 2 दिखे आप लिखो 3, 1 दिखे आप फिर 1 बढ़ाओ 2, 1 पावर दिखे फिर 1 बढ़ाओ 2, फिर 1 पावर दिखे 2, मल्टीप्लाई कर लो तो 3 6 12 2 24, तो 24 तो टोटल आ गए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 420 शामिल ना हो, तो 24 में तो 420 होगा, 420 को हटा दो तो बचे कितने 23, आंसर हो जाएगा 23। लूसेंट में गलत दिया गया क्वेश्चन, ठीक है ध्यान रखिएगा 23, वहां 22 दिया है वो गलत है। चलो एक कमरे में 8 दरवाजे हैं, व्यक्ति कितने प्रकार से अंदर जाकर बाहर आ सकते हैं, कितने प्रकार से दरवाजे से अंदर जाके बाहर, तो एक बात 8 दरवाजे जाने के लिए कितने तरीके, 8 जाने के लिए कितने तरीके, 8 आपने कहा 8 तरीके, अच्छा अब आप अंदर चले गए तो वापस आने के लिए भी तो 8 ही दरवाजे होंगे, वापस वह भी आना है तो इंटू 8, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, आंसर कितना हो जाएगा 8 × 8, जो कि इसमें आपसे अच्छा हाँ एक चीज लिखी है, अंदर जाके दूसरे से, ये वर्ड लिख दिया दूसरे अदर डोर, मतलब जिस डोर से गए वहां से वापस नहीं आना, यानी यहाँ पे 8 नहीं होगा, बचेंगे एक कम हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा, 56 हो जाएगा 56, अगर 64 दिया हो जल्दबाजी में 64 ही लगा देता भैया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए एग्जाम में कि अगर क्वेश्चन इस टाइप पे आ रहा है पूरा लैंग्वेज जल्दी से पढ़िएगा, यहाँ टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, एक दरवाजे से जिस दरवाजे से जाना है उससे उसको वापस नहीं आना है, इसलिए वो एक केस हट जाएगा 8 × 7 दैट इज 56। चलो नेक्स्ट एन भुजा वाले, अभी बताया था कि किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या होती है (nn-3/2) कितना दे रहा है, आप इसको (nn-3/2) ये आपको दे रहा है 55, ये आपको दे रहा है 55, या देखो मैंने इसको डायरेक्ट बताया था, आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो आप 55 का दुगना क्या हो गया, 55 का दुगना 110, 110 के बाद कौन सा वर्ग आता है 121, किसका होता है 11 का, आंसर कितना हो जाएगा 11, आंसर कितना हो जाएगा सॉरी 55 का दुगना 110 और 11 है, मेरे ख्याल से 55 तो विकर्ण बन ही नहीं रहे इसमें, इसमें अगर 11 रखे 11 - 3 = 8 तो ये 44 हो रहा है, 12 - 3 = 108, 108 का आधा तुम्हारा हो जाएगा 54, 12 भी नहीं है, 10 तो होगा नहीं इसमें, इसको सॉल्व करो एक मिनट कितना आ जाएगा,
इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है एन स्क्वायर, या मैं एक मिनट ऐसे देख लूँ जरा, 55 के अलावा कोई फैक्टर होंगे नहीं, और इसमें और इसका दुगना कर लेते, एक मिनट 110 55 के अभी आपने क्या फैक्टर नहीं करते, 11 और 5 इंटू 2 और हो जाएगा, ये फैक्टर है। अगर मैं इसको लेता हूँ इसमें डिफरेंस एक का है, नहीं बनेगा। अगर इधर लिया तो 2 को, तो ये 22 हो जाएगा, कोई केस ही नहीं बनेगा बेटा। क्वेश्चन में 55 तो हो ही नहीं सकता, 55 आंसर हो ही नहीं सकता। डायगोनल 55 कहाँ से आ जाएंगे बेटा? अगर 10 भुजा होती तो 10 के लिए कितना होता है 10 माइनस 3 7 बाई 2 35 के आगे चले जाते हैं। अगर तुम 11 लेते हैं तो 11 माइनस 3 8 अपॉन 2 कितना होता है 44। अगर 12 होते 12 2 कितने बनते हैं 54, और 12 के जस्ट बाद वाला केस क्या बनता है 13 का, तो 13 इंटू 10 बाई 2 65, तो यहाँ 55 नहीं होगा बेटा, या तो 65 होगा या तो 54 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो इस मिस्टेक है, 55 बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन एज इट इज है तो आप ऐसे करना, जैसे मैंने कहा होता इसमें ले लेते जैसे 44 होते हैं, अगर 44 होता 11 माइनस 3 8 44 होता तो 44 का दुगना करता मैं 88, और फिर मैं आगे बढ़ता, फिर जो वर्ग होता है उसका वर्गमूल। एनडीए वाले जो मैंने क्वेश्चन सीरीज कराई वहाँ पे इसका शॉर्टकट बताया आपने, आप उसको देख लीजिएगा, आप निकाल सकते हो। नहीं समझ में आए तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, चलिए, या फैक्टर मेथड से कर सकते हो। 3-4 तरीके मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। 3 विषम अंक कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, टोटल यहाँ पे कितने हैं विषम अंक? 1 है, 3, 5, 7, 9, 11 टोटल कितने हैं? 6 6 में से आपको चूज कितने करने हैं? 3 6C3 मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 6 और ये 6 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 20। अरे भाई आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 11 तक संख्याओं में विषम संख्या होंगी 6, और 6 में से आपको 3 और नंबर चूज करने, 6C3 आंसर हो गया 20। चलिए और विभिन्न है तो यहाँ तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था 2 केस बनेंगे इसमें। अगर लिखा 16CR इक्वल टू 16C7 तो 2 केस, या तो R इक्वल टू 7 होगा या तो R इक्वल टू 7 होगा, ये दोनों बराबर होंगे, या तो R इक्वल टू 7 होगा या फिर इन दोनों को ऐड करने पे R प्लस 7 इक्वल टू 16 होगा, मतलब या तो R इक्वल टू 9 होगा, तो आंसर 7 और 9, आंसर क्या हो जाएगा 7 और 9, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, ठीक है बस इसके बाद ठीक। चलिए तो ये बेसिक हमने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में और भी टाइप्स हैं, वर्ड्स पे बेस्ड हैं, नंबर्स पे बेस्ड हैं, जो हम लोग पेड क्लास चल रहे हैं तो उसमें हम लोग वर्ड्स और नंबर्स हम लोग आगे वाले के सेशन में करेंगे। ये मैंने एक बेसिक प्रैक्टिस के लिए रखा, आज इतने रखते हैं, थैंक यू, जय हिंद।